नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी छात्रवृत्ति में जो मैंने मैन थंबनेल पे दे रखा था, या फिर मैंने जैसे आप नीचे आ रहा होगा इस तरह का आपके भी ऑब्जेक्शन आया है, तो ये कैसे ठीक होगा पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको मार्क किया गया है, जो कि रेड लाइन आ रही है उसके अंदर किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जाना होगा आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जिला है, उसकी मेन ऑफिस है उसके अंदर। ओके, तो क्यों जाना होगा, क्या है इसका, क्या कारण है, ओके, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और ये जो समस्या है अगर आपके किसी दोस्त को आ रही है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, तो उनको भी फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आप रियल में छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाया था और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि यार कौन से जिले में जाएंगे, कब जाएंगे, कौन सी ऑफिस है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप नहीं भी गए हो या फिर जाना भी नहीं चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत जाना। आपको अगर ये आप चेक करवाना एक बार, अगर आपने फॉर्म भरा रखा है और आप ये वीडियो देख कर ही डायरेक्ट देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्शन कैसे आया है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार आप चेक करवा लेना आपका जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है। ओके, तो एक बार चेक करवाया है, उसको रेड लाइन आ रही है इस तरह से, तो उसको एक दो दिन वेट करना, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको एक दो दिन वेट करना है। जहां तक है एक दो दिन में ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, और अगर नहीं हटता है 4-5 दिन या 6-7 दिन के अंदर भी नहीं हटता है, तो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम भी जो डॉक्यूमेंट लगे थे, और अदर भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो आपको लेके आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उसके अंदर जाना होगा, जो कि छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति का फॉर्म आता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, और उसको वेरीफाई करने के बाद जो अपनी छात्रवृत्ति है वो डालती है, तो वहां पे आपको जाना है। ओके, जब जाना है आपको, तब आपका ये 6-7 दिन के अंदर क्लियर नहीं होता है। जहां तक है 6-7 दिन के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आपको जाना कहीं भी नहीं है, आपको नो टेंशन हो के बस इसको चेक करते रहना है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको निश्चित जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो बताऊंगा। ओके, और अगर आपका 4-5 दिन वेट करने के बाद होता है तो भी एक बार आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक ले जय जय भारत।